हेलो गाइस, आई एम गुलशन एंड आई एम गुलशन गुप्ता फ्रॉम गाजीपुर। कुछ स्टूडेंटों ने मेरे को मैसेज किया कि सर प्लीज़ टेंस हम लोग भूल गए हैं, क्लासें नहीं चल रही है ना कोचिंग चल रही है कुछ, तो प्लीज़ आप टेंस पे एक वीडियो बनाओ ना। तो आज मैं आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाऊंगा जो कि टेंस के बारे में, जो कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको स्कूल क्लास रूम में कोचिंग में पढ़ा दिया गया होगा, जिसका नाम है टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काम। ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, सेकेंड होते हैं पास्ट, थर्ड होते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत एंड भविष्य। ओके, अब प्रेजेंट में क्या होता है, फोर्थ तरह के टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, सेकेंड होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में सेम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी सिंपल सा फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कहने का स्टूडेंट्स, ये आप लोग को याद भी रखना जरूरी है। कभी काल क्या होता है कि बाई चांस जब हम लोग कॉलेज कंप्लीट करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब करने के लिए, तो कभी कभी वहाँ पे ये भी होता है कि आप लोगों को टेंस के बारे में पूछा जाता है, उसके सारे पार्ट्स आप डिटेल में बताओ, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी भी जा सकती है। मेरे साथ तो हुआ है तो आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसको वर्तमान के नाम से जानते हैं। पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, तो इसमें क्या कि फार्मूला भी हमको पता रहेगा ना, तो कोई भी टेंस आसानी से बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जो कि ही, शी, इट, दे, वी, यही सब होते हैं सब्जेक्ट, किसी का नाम भी। एम भी मेन वर्ब, वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म होता है, और जो कि अगर सिंगुलर रहेगा ना ही, शी, इट या किसी का नाम, तो उसमें यस या यस वर्ब के अकॉर्डिंग ये सब ऐड करते हैं और प्लूरल में नहीं लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर सेंटेंस। ओके, जैसे लाइक एग्जांपल, मैं पहला एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं हॉकी खेलता हूँ, तो इसका टेंस बनेगा मैं, यानी कि आई। मैंने आपको बोला था कि सिंगुलर ही, शी, इट या किसी का नेम रहता है ना, तो वहाँ पे हमको एस या एस लगाने की आवश्यकता होती है। आई जो कि हम लोग प्लुरल में रहते हैं, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। तो इस सिंपल सब मैं हॉकी खेलता हूँ, आई खेलने का होता है प्ले हॉकी। ओके, अब इसका निगेटिव, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, तो आप बताओ आई क्या है। मैंने बोला था प्लुरल, इसको लेते हैं प्लुरल में। ओके, तो इसको बोलेंगे आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब सिंपल सा क्वेश्चन मार्क में, इंटरगेटिव में क्या होता है, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, तो सिंपलिश आपको क्या करना है, डू को पहले कर देना है। ठीक है, डू को आपको पहले कर देना है, डू आई प्ले हॉकी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके, डू आई प्ले हॉकी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कुछ भी समझ में आपको आ रहा। अब चलते हैं सेकेंड जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी फार्मूला है बता देता हूँ। सब्जेक्ट होता है इज़,
एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम लोग क्या करते हैं आईएनजी ऐड करते हैं एंड अदर सेंटेंसेस। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल है तुम, किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो। तो सिंपल से इसका क्या होता है, तुम का क्या होता है यू, यू का सब लगाते हैं आर। देखो फार्मूला, सब्जेक्ट हो गया, एग्जाम आर हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या काम किया जा रहा है, पढ़ने का, पढ़ने का क्या होता है रीड, आर ई ए डी रीड, उसमें हमको आई एन जी ऐड करना है रीडिंग। अदर सेंटेंस हमारा क्या है, सॉरी गाइस मिस्टेक होगा, यहाँ पे हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके बाद रहेगा अदर सेंटेंसेस। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट करता क्या है, तुम किताब पढ़ रहे, यू आर रीडिंग, करता मतलब उसका करता क्या है, यानी कि किताब है, यू आर रीडिंग बुक। ओके, इसका नेगेटिव सिंपल सा है, यू आर नॉट, बाकी सेम रीडिंग बुक। इसका इंटरगेटिव आर, बस आर लगाने का, आर यू रीडिंग बुक, ठीक है, सिंपल सा है सब, आर यू रीडिंग बुक। ओके, तो इसका पहचान है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट इसको, इसका जो पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो कि इसका वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है, फार्मूला है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, और मेन वर्ब होता है, वर्ब के साथ का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर सेंटेंस। ओके, लाइक एग्जांपल, वह अपना कपड़ा शार्प कर चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का रूल ये है कि चुका, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आपके लगता है कि वो काम हमारा हो चुका है, लिया है, पिया है, खाया, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ओके, तो इसको स्टार्ट कर, वो अपना कपड़ा साफ कर चुका है, तो वो यानी कि ही, सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया ही हैज़, मेन वर्ब क्या कर, क्या काम हो रहा है, शार्प करने का काम हो रहा है, क्लीन, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्लीन, ही हैज क्लीन। उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कपड़ा, देखो गाइस कभी कभी क्या होता है, देखो वह अपना, तो ही के साथ अपने के लिए हिज लगाते हैं, वह अपनी लड़की रहेगी तो ही के साथ, सॉरी सी के साथ हर लगाएंगे, वे अपने, बहुत सारे लोग रहेंगे तो दे, दे के साथ लगाएंगे देयर, वी हम, हम अपना, तो वी के साथ लगाएंगे आवर। ओके, तो ये इसका फंडा इसे यहाँ पे लगा, वो अपना कपड़ा साफ कर चुका है, तो ही हैज क्लीन हिज क्लोथ्स। अब लास्ट, अब गाइस प्रेजेंट टेंस का लास्ट बचा है चौथा, फोर्थ जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये थोड़ा सा गाइस हार्ड होता है, मैं आपको बता दूं, इसका फार्मूला लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, सब्जेक्ट होता है, इसमें हैज हैव के साथ हमको बिन लगाना पड़ता है, और इसका मेन वर्ब प्लस वर्ब में हमको आईएनजी ऐड करते हैं, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर सेंटेंसेस, फिर टाइम के अकॉर्डिंग सेंस एंड फॉर लगाते हैं, और इसका टाइम। ओके, जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे का क्या होता है, टी एच वे, दे, तो दे हमारा प्लूरल हम लोग लेंगे,
हैव, इसके बाद बीन, सिंगुलर और चाहे प्लूरल, उसमें हमको बीन लगाना ही लगाना। दे हैव बीन मेन वर्ब, क्या काम किया जा रहा, वे सुबह से खेलने का काम हो रहा, तो पी एल वाई प्लेइंग, इसमें आई जी हमको लगाना पड़ेगा। दे हैव बीन प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, आई जी हो गया, ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर सेंटेंस नहीं है तो हम क्या करें, सिंस ऑफ़ सुबह से शाम से दोपहर से, हमारा निश्चित समय, जो निश्चित समय रहता है उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं, जो अनिश्चित समय रहता है उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लगाएंगे यहाँ पर सिंस, सिंस मॉर्निंग, सुबह से मॉर्निंग, मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसका निगेटिव सिंपल है, तो दे हैव बीन के बाद में हम क्या लगाते हैं, नॉट, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसका प्लूरल क्या होगा, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बस सिंपल से क्या करना गाइस, आपको क्या करना है, पहले लगा देना है, हैव दे, बस उसको आगे करना है, बाकी सब सेम रहेगा। हैव दे बीन प्लेइंग, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, हैव दे प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके, थैंक यू वेरी मच, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग अपने बड़ों से, एल्डर से हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज मेरे को कमेंट्स में, आप जो भी प्रॉब्लम है, मिसिंग रह गई है, मिसिंग रह चुकी है, तो आप मेरे को कमेंट में बॉक्स में लिखो, सर ये मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं अगला वीडियो में आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। और रही बात पास्ट टेंस को, तो मैं अपने अगले वीडियो में पास्ट टेंस का पूरा डिटेल में अच्छे से भेजूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।